कैसे हैं सब लोग। और ये हमने मेहंदी लगवाई थी मेहंदी वाले दिन से पहले, एक दिन पहले लगवा ली थी ताकि जो था टाइम बच जाए। अगले दिन काफ़ी सारे काम भी थे तो इसलिए फिर हमने एक दिन पहले थी जो वो मेहंदी लगवा ली। और मूली वाला पराठा फाइनली मुझे भी खाना मिल गया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं मंडा लेके, जो कि नानकी लेके जाते हैं। और ये मेरा मेकअप हो चुका है और फिर बाकी आपको तैयारी दिखाएंगे, बाकी वहाँ जाके भी दिखाएंगे कि क्या हल्ला गुल्ला किया है और किस तरह से हम लोगों ने इंजॉय किया। ड्रेस आयरन हो चुके हैं, अब इन दोनों में से देखूंगी कि कौन सा ड्रेस वेयर करना है। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये थी फिर मेरी तैयारी। मैं तैयार हो गई थी और ये मेरा ड्रेस था ग्रे कलर की, मैंने फ्रॉक वेयर की हुई थी सिल्क की और अच्छा लग रहा था। और ये आयरन हो गया है तैयार। कहाँ जाए हम? आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? फिर शादी पे जा रहे हो? बोलो। अलिया रोई गए? अभिया चलो जा रहे हैं। वो देख कहाँ जा रही हो? मानो क्या कर रही हो आप? मानो हो? मानो हो कौन है? मानो मानो बिली कौन है? मानो नेक्स्ट डे जब हम गए तो फिर गेटअप अभी भी लगा हुआ था। और फिर हमने सोचा कि हम दोबारा इसके आगे जो है वो अपनी वीडियो बना लें। और बस फिर मानो हम कहाँ आए हैं? हम यहाँ से इकट्ठे होकर जो है वहाँ पुप्पो की तरफ जाएंगे। कौन? अभिहा हेलो बोलो। हेलो। और फिर मैंने अपना फ़ोटोशूट स्टार्ट करवा दिया और अच्छा हो रहा था मेरा फ़ोटोशूट। और बस सबकी तैयारी हो चुकी थी, डन। अब हम जाने लगे थे और अब हम लोग जो हैं इकट्ठे हो चुके हैं और अब हम लोग जाने लगे हैं पप्पो की तरफ। इकट्ठे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे फिर हल्ला गुल्ला करेंगे। और बस अब हम सब लोग जो थे वो रास्ते में थे। और फिर जो है आप लोगों को तो पता ही होगा कि मंडा जब लेके जाते हैं तो ये इनकी कुछ पंजाबी बोलियाँ होती हैं और ये बोलती हैं। और हमारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, इधर से ग्रुप आ गया। और अब हम सब लोग अंदर जाने लगे हैं, आप लोगों को दिखाऊंगी। हम लोग जो है वो अंदर अंदर हो चुके थे, उन्होंने हमारा इस्तकबाल फूलों की पत्तियों से किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। खाने में मीठे चावल जर्दा थे और सालन था। और आज तो बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि हमारे इस्तकबाल हुआ था और हम लोग आराम से मेहमानों की तरह बैठे हुए थे और अच्छा लग रहा था। और फंक्शन हो चुका है आज का और जी हम घर जाने लगे। और फंक्शन अच्छा हो गया, खाना भी बहुत टेस्टी था, मज़ा। हम घर जा रहे हैं। आज बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया, बहुत इन्जॉय किया। आप लोग जो है वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और फिर जब नेक्स्ट डे था मेहंदी वाला दिन और नेक्स्ट डे आ चुका है, मैं हेयर डू करवाने गई थी पार्लर में। और आज मेहंदी का फंक्शन है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं?
मेकअप करवाने जो थी वो मैं पार्लर नहीं गई थी, सिर्फ हेयरडू मैंने करवाया। मेकअप करने का मेरा खुद था दिल, तो फिर जो है वो मैंने मेकअप खुद से कर लिया था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरी मेकअप का ट्यूटोरियल कि मैंने किस तरह से मेकअप किया था, तो मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो लाजमी बनाऊँगी मेकअप की। और आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट में मैं कैसी लग रही थी मेहंदी वाले दिन, और मेरा हेयर डू कैसा था, मेरा मेकअप कैसा था, एंड मेरा ड्रेस कैसा था। और उसके पीछे की भी मैं आपको एक राज बताऊंगी ड्रेस के पीछे का भी, और उसके लिए आप मुझे बताइएगा कि मैं आप लोगों के लिए मेकअप की वीडियो बनाऊं, तो फिर जो है मैं उसमें आप लोगों को ड्रेस के बारे में भी बताऊंगी कि मैंने ड्रेस कहाँ से लिया था और परचेज़ किया था और कहाँ से बनवाया है। मैं हर चीज़ आपको डिटेल से उसमें बताऊँगी। अब जी हम पहुँच चुके थे मैरिज हॉल में, और बहुत ही अच्छा था सारा सेटअप। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कमाल बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था, शानदार। और फिर हम जो है वो अंदर एंटर हो चुके थे, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सेटअप हुआ हुआ था और बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। पिक्चर्स के लिए तो बहुत 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 अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, और ये आप लोग देख सकते हैं सारा सेटअप। और इस तरह से कि मेहंदी के फंक्शन के लिए पप्पा जो थी वो मेरी नन के लिए मतलब मेहंदी लेकर आई थी, और ये सारा मेहंदी का सामान था और अच्छा था। फंक्शन बहुत ही आला था। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।